टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। थाने के रहने वाले ज्वेलर्स भरत जैन की हत्या का मामला नौबाड़ा पुलिस ने सुलझा लिया है। भरत जैन की हत्या के मामले में पुलिस ने 4 आरोपी सुभाष चुर्वे, अतुल जगदीश, प्रसाद मिश्रा, नीलेश भोईर और बलवन चोलेकर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया है कि भरत जैन की लाश जो कलवा रेती बंदर खाड़ी से बरामद हुई थी, उस हत्या में शामिल उनके ही सोसाइटी का सिक्योरिटी गार्ड है जो अतुल जगदीश और उसके 3 साथी। इन चारों ने महज आधा किलो सोना लूटने के चक्कर में भरत जैन की हत्या की। इन चारों लोगों ने भरत जैन की दुकान में लूट की योजना पहले बनाई और उसके बाद भरत जैन की हत्या कर लाश खाड़ी में फेंक दिया था और दुकान लूट करने के लिए ये पहुंचे थे, मगर तिजोरी इनसे जब नहीं खुली तो ये लोग वहां रखे 2 लाख रुपए में चांदी के जेवर लेकर ये फरार हो गए। मगर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन कर इन चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया है और इनके पास से 1 देसी कट्टा और पिस्तौल, जिंदा कारतूस और चोरी किए गए चांदी के जेवर भी बरामद किए। नौपाड़ा पुलिस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या जानकारी दी गई है। दिनांक 15 तारीख को श्री भरत जैन, उनकी पत्नी, उन्होंने पुलिस स्टेशन में आके, भरत जैन कल रात से घर पे आए नहीं है, इस वजह से हमने उनका मिसिंग कंप्लेन दाखिल किया था। उसके बाद में हमारी टीम उसके पीछे लगी हुई थी। सीसीटीवी फुटेजेस में पता चल रहा था कि एक वैगनर गाड़ी उनके ज्वेलर शॉप के पास में दिखी थी। उस वजह से हमने दिनांक 17 तारीख को अपहरण का गुनाह दाखिल किया था और हमारे पुलिस स्टेशन के PI शिरसागर साहब ने 2 टीम्स तैयार किए थे। PSI लब्बे और API मोरे के अंडर हमने 2 टीम्स तैयार किए थे। उसमें हमारी अपहरण के गुने की जाँच शुरू थी। उसमें जो वैगन आर की गाड़ी हमने उसको आइडेंटिफाई किया और जो वैगन आर का जो ड्राइवर था सुर्वे, उसको हमने ताबे में लिया था। इन बिटवीन 20 तारीख को कलवा खाड़ी में एक बेवारस किस्म की हमें एक लाश बरामद हुई थी। उसमें ED रजिस्टर होने के बाद में हमने यहाँ के उनके रिलेटिव्स को वो लाश दिखा के उनका आइडेंटिफिकेशन किया। पता चला कि ये भरत जैन उनकी ही डेड बॉडी है। उसके बाद में जो 2 आरोपी थे, उसके जो सुर्वे के साथ में जो 2 आरोपी थे, नीलेश भोईर और अमित मिश्रा, ये दोनों कोयम्बतूर से ओरिसा से वाराणसी गए, ये सब हमको पता चला था हमारे जो गोपनीय सूत्रों के मुताबिक। हमारी 2 टीम्स हमने इमीजिएटली हमने रवाना कर दिए थे और दिनांक 24 तारीख को हमारी टीम ने वाराणसी से दोनों आरोपियों को हमने उनको वहाँ से गिरफ्तार किया। इसी बीच में श्री गोविलकर नाम का एक आरोपी है जो मरल गांव में रहता है, उसके पास में इन्होंने जो चोरी किया हुआ 2 किलो का जो चांदी के ज्वेलर्स है, वो पूरे हमने उसके पास से बरामद किए। कुल मिला के 4 आरोपियों को हमने अरेस्ट किया है। 1 वैगन आर गाड़ी जो खुले में इस्तेमाल हो गई थी, उसको हमने बरामद किया है। 2 कंट्री मेड, 1 रिवॉल्वर, 1 पिस्टल हमने जब्त किया है और साथ ही साथ 2 KG के चांदी के जवाहरात भी हमने। सर उनको चांदी आरोपी कहाँ कहाँ फरार हुए थे? आरोपी कोयम्बतूर गए थे पहले, वहाँ से वो ओरिसा गए थे, ओरिसा से वाराणसी।